अनुज मुझे मुझे बात करो, तुम्हारा चेष्टा है, उत्तर दो से। अनुज अनुज उत्तर दो। ये क्या हो गया? तुम सबने कभी अपने देश की बात का उल्लंघन नहीं किया तो आज ये हो दंडता क्यों? उठो, उत्तर दो। उठो, उत्तर। बात करो मुझसे। क्या किया भीम? ये क्या किया तुमने? केवल कहने को ज्येष्ठ भ्राता था मैं पिता से अधिक इन्होंने मुझे सम्मान दिया है। ये चाहते थे कि अपने कंधे पर उठाकर मुझे सम्राट के सिंहासन तक लेके जाएंगे। बस तुमने मुझे विवश कर दिया। मैं इनकी अर्थी को कंधा दू? तुमने उचित नहीं किया है भीम, उचित नहीं किया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देखो उधर, मैं नहीं छोड़ूंगा। शांति युवराज, युद्ध के नियम के अनुसार आज का युद्ध संपन्न हुआ और इस समय प्रहार करना वर्जित है। पर प्रतिकार करना नहीं आचार्य, प्रतिकार नहीं। पांडवपुत्र अपने इन पांच भाइयों के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लूंगा। मैं किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं ये मेरा वचन है। मेरी प्रतिज्ञा मत भूलो दुर्योधन। तो नियति तुम्हारे पांच भाइयों की हुई है, कोई नियति तुम्हारे शेष 95 भाइयों की भी होगी। मैं दुर्योधन राजा भीम, रुक जाइए, ये सही समय नहीं है। श्रेष्ठ यही होगा कि दोनों पक्ष अपने नियमों को स्मरण रखें। सूर्यास्त्र हो चुका है और उसके साथ ये युद्ध भी समाप्त हो चुका है। आप दोनों अपनी भावनाओं को कल के लिए शेष रखें और वही उचित रहेगा। पुनः लौट आ रही हूं महादेव। आपने मुझे 100 पुत्रों को आशीर्वाद दिया था और आज मुझे उन्हीं पुत्रों की मृत्यु का दुख भी दे रहे हैं। विलाप ना करो गांधारी, युद्ध में मृत्यु होना निश्चित है। कभी स्वयं के पक्ष के योद्धाओं की और कभी विरोधी पक्ष की, ईश्वर को दोष मत दो।
ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारे पुत्रों को वीर गति प्राप्त हुई है। आपके मन को समझाने के लिए ये तर्क पर्याप्त हो सकता है आर्य, परंतु मैं क्या करूं? मैं तो एक माता हूं ना, मेरे तप के बदले महादेव ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था, तो फिर ये मेरे तप का फल मुझसे कैसे छीन सकते हैं? कैसे आर्य? पूछे इनसे, इन्होंने ये अनर्थ क्यों होने दिया? जो पहले मुस्कान दी तो फिर बाद में आंखों में अश्रु भर दिए, ऐसे ईश्वर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। दासी, तुम इस शिवलिंग को इस कक्ष से, इस महल से बाहर कर दो, मुझे नहीं चाहिए। कोई प्रभु, कोई मंदिर, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम्हें जो उचित लगे तुम वो करोगा था। मैं वो करूंगा जो मुझे आवश्यक लगता है। रथ सज्ज करो संजय, मैं इसी क्षण कुरुक्षेत्र जाऊंगा। युद्ध में योद्धा को घाव लगना सामान्य बात है, आप चिंतित मत होइए। मैं जो भी कर रही हूं अपना कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि पश्चाताप समझकर कर रही हूं। एक पुत्र को खोने का कष्ट, उसकी पीड़ा एक माता ही समझ सकती है। मैं भी एक माता हूं, परंतु दुर्भाग्य से इस अनर्थ को रोकने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए लेप लगा रही हूं अपने मन के घाव को, थोड़ी शीतलता देने का प्रयास कर रही हूं। पुत्र, तुम दुर्योधन के पास जाओ, इस समय उसे अपने मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। मान रहो और इस अंतिम संस्कार की विधि को रोको। मेरे पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं होगा।
महाराज, ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं आप? देखिए, इस संसार में आने वाले का और इस संसार से जाने वाले का संस्कार अत्यावश्यक होता है, अन्यथा इनकी आत्माओं को कैसे मुक्ति मिलेगी? क्या कर रहे हैं आप? क्या इस संस्कार से मुझे मेरे पुत्रों को खो देने की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है शकुने? क्या इस संस्कार से उस दहल पर लगे चिन्ह जो महारानी गांधारी के शरीर पर आज भी है, क्या वो मिट सकते हैं? तुम्हारे लिए वो केवल 5 सैनिक थे, किंतु मेरे लिए वो मेरे अंग, मेरे शरीर, मेरी आत्मा के 5 हिस्से थे, 5 अंश थे। आज मैंने अपनी आत्मा के वो 5 अंश भी खो दिए, और इससे अधिक हानि अब मैं सह नहीं सकता। मैं वर्तमान नहीं देख सकता, परंतु भविष्य देखने की क्षमता आ गई है मुझ में। हस्तिनापुर का महाराज होने के नाते ये मेरा निर्णय है कि इस युद्ध को इसी क्षण रोक दिया जाए। पिताश्री, ये किसके लिए? आपके लिए पिताश्री। आज आपको अंगराजकरण के 2 बाण लगे थे ना, उनके उपचार के लिए। मुझसे अधिक हाव तो तुम्हें लगे हैं पुत्र। मैंने सुना तुम्हारे और दुर्योधन के मध्य हुए द्वंद के विषय में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अभिमन्यु। दुर्योधन एक दुर्जय योद्धा है, शक्ति में, अनुभव में तुमसे कहीं अधिक। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पिताश्री उचित कह रहे हैं आर्य। किंतु एक योद्धा के लिए ये विचार सुनना और स्वीकार करना दोनों ही अनुचित है, और छिपकर 2 योद्धाओं की बातें सुनना भी अनुचित है उत्तर। इसलिए यहां आओ। आप ही बताइए पिताश्री, क्या एक पत्नी का अपने पति के लिए चिंता करना अनुचित है? आप कहते हैं तो ये मान जाते हैं, और मैं कहूं तो ये मुझ पे बरस पड़ते हैं। आप ही ने कहा था ना कि काकाश्री दुर्योधन के साथ द्वंद करना इनके लिए उचित नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, ये सकुशल युद्ध भूमि से वापस आ गए। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? योद्धा यदि वीर गति को प्राप्त करे तो ये उसके लिए गर्व की बात होती है उत्तर, अनहोनी की नहीं। मुझे तुम्हारे साहस और कौशल पर गर्व है पुत्र, परंतु उत्तरा का कहना भी अनुचित नहीं है। प्रत्येक पत्नी को अपने पति की चिंता होती है। उत्तरा केवल तुम्हें सुरक्षित देखना चाहती है पुत्र। और मैं हस्तिनापुर के मदांध युवराज का अहंकार तोड़ना चाहता हूं पिताश्री। जब भी रणभूमि में मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है तो मेरे कानों में माता द्रौपदी की करुण पुकार गूंजने लगती है, और फिर मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। तो आप दोनों पूर्णतः निश्चिंत रहिए।
क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञ सेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ। और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपके तेज के अंश का प्रहार और माता के आशीष की ढाल जब तक मेरे साथ है मैं काका श्री दुर्योधन के समस्त कौरव सेना का सामना अकेले करने में सक्षम हूं। मुझे उन पांडवों से अब विजय नहीं चाहिए। अब मुझे उनसे अपने इन भ्रातों के मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। अब यदि आपने इस युद्ध में विराम लगाया तो आपके ये पांच पुत्रों वीर वृषसेन, पितामह और अनेक सैनिक उनके इस युद्ध में दिए प्राणों का उनके प्रयास सब व्यर्थ चले जाएंगे। पिताश्री ऐसा मत कीजिए। पिताश्री रक्त के बदले रक्त लूंगा मैं। अपने 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 पुत्र खोए हैं। वो पांडव अपने पुत्र को के और हम मुझे पाएंगे पिताश्री। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो दुर्योधन। पितामह और अपने भाइयों के परिणाम से आने वाले भयानक भविष्य के संकेत को समझो। तुम्हारे होते हुए, गुरु द्रोण के होते हुए, कर्ण के होते हुए मेरे पांच पुत्रों को निर्दयता से मार दिया गया। पुत्रों को खोकर मैंने युद्ध जीत भी लिया तो भी ये पिता हारा हुआ ही कहलाएगा पुत्र। अब और विनाश मैं नहीं सह सकता। मैं कल ही कुरुक्षेत्र जाकर पांडवों से संधि की याचना करूंगा। पांडवों से अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा की याचना करूंगा मैं, क्योंकि केवल यही एक मार्ग शेष है। मुझे इस युद्ध भूमि इस युद्ध से दूर रखने का एक और उपाय है पिताश्री। एक और उपाय है। उपाय यह है कि आप इसी क्षण मेरा वध कर दें। अभी मेरे प्राण हर ले क्योंकि मैं ना संधि करूंगा और ना ही याचना करूंगा उन पांडवों के समक्ष। उठाइए इस तलवार को और वध कर दीजिए अपने इस एक पुत्र का। अपने इस एक पुत्र का वध करके बचा लीजिए अपने शेष 94 पुत्र। 94 पुत्र। लीजिए और प्रहार करिए मुझ पर। लीजिए, उठाइए इसे और प्रहार करिए अपने इस पुत्र पर, क्योंकि वो अब पांडवों के समक्ष नहीं झुकेगा। मेरे मित्र से पूर्व आप मेरा वध करें। यदि आपको हम पर विश्वास नहीं तो हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। आप मेरा वध करें या हमें एक और अवसर दें। अपने पुत्रों के बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए महाराज। युद्ध लड़े बिना पराजय स्वीकारने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से हमें मृत्यु प्रदान करें।
आपने अपने पुत्र के लिए जो स्वप्न देखे हैं, क्या उनपे वो स्वप्न भी सम्मिलित हैं जिनमें वो अपने शत्रुओं के सामने क्षमा याचना करे? जिसके शीश पर आप सदा सम्राट का मुकुट देखना चाहते हैं, क्या उसके पैरों में बेड़ियां देख पाएंगे आप? यदि हां तो आप मुझे मृत्यु प्रदान करें, और यदि ना तो आप मुझे एक अवसर दीजिए। आप हमारे महाराज हैं, हम सब आपके आदेश के अधीन हैं, किंतु आपका यह आदेश हस्तिनापुर और समस्त कौरव वंश के आत्मसम्मान को सदा के लिए नष्ट कर देगा। मैं क्या करूं पुत्र, एक पिता के लिए अपने पुत्र की अर्थी का बोझ इस जीवन का सबसे बड़ा बोझ होता है पुत्र, परंतु मुझसे ये बोझ सहन नहीं होगा। विश्वास कीजिए पिताश्री, अब ये बोझ हम नहीं, अब वो पांडव उठाएंगे। आइए पिताश्री, मेरे वीर भ्राताओं को सम्मान विदा करें। कौन? कल के लिए हमारे क्या रणनीति है? कल की रणनीति तो स्पष्ट है। आज मैंने उन 5 कौरों का वध किया, कल और 25 का अंत कर दूंगा। मैं आज ही उन 100 कौरों का वध कर देता, किंतु वो सूत पुत्र कर्ण बीच में नाया होता। कर्ण की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए भ्राता भीम। आज तो वो द्वंद छोड़कर निकल गए, किंतु कल उसे भागने का अवसर नहीं दूंगा मैं, और कौरवों की सहायता के लिए नहीं जाने दूंगा। भारत का 12वां दिन है कल, और उन पांडवों का अंत करना है हमें। समस्या 5 भाइयों की नहीं दुर्योधन, केवल अर्जुन और भीम की है। उन्हें रोकने के लिए हमें एक योजना की आवश्यकता है। उस भीम को आप मुझ पे छोड़ दीजिए, अपने भाइयों के क्योंकि मैं स्वयं प्रतिशोध लूंगा, और अर्जुन को रोकेगा कर्ण। गुरु द्रोण अर्जुन के लिए पर्याप्त है मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन मेरा लक्ष्य है, उसे रोकने में मैं सक्षम हूं। तुम्हारे कौशल और सक्षमता पर मुझे कतई संदेह नहीं है अंगराज, परंतु पता नहीं क्यों तुम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो आज
युद्ध के आरंभ में ही वासनी शक्ति का उपयोग करके तुम अर्जुन का अंत कर सकते थे कर्ण, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। आपको तो कुशलता दिखानी थी, परंतु स्मरण रहे, ये समय कुशलता दिखाने का नहीं है अंगराज, शीघ्र अति शीघ्र युद्ध समाप्त करने का है। और यदि तुमने आज ऐसा किया होता अंगराज कर्ण, तो आज 5 कौरवों की नहीं 5 पांडवों की चिता जल रही होती। बामाजी, कर्ण को कब कौन सा अस्त्र चलाना है ये निर्णय उस पर छोड़ दीजिए। आज हम सब ने कर्ण का कौशल देखा है, मेरे अन्य भ्राता आज सुरक्षित हैं, तो वो कर्ण के कारण। अरे परंतु किंतु परंतु का समय नहीं है मामाजी, और नहीं आरोप प्रत्यारोप का। ये समय है साथ रहने का, उनका और उनकी उन उदंड पुत्रों के अंत करने का समय है ये। क्या हुआ माधव, आप इतने अशांत प्रतीत क्यों हो रहे? यह अशांति आज के युद्ध के परिणाम की है पार्थ। आज युद्ध दुर्योधन ने अपने 5 अनुजों को खोया, और कल वो युद्ध में इसका प्रतिशोध लेने उतरेगा। आचार्य की व्यूहरचना तुम सुन चुके हो मित्र, तो तुम्हारे मन में कोई विचार है? यदि सेनापति द्रोणाचार्य आज्ञा दें तो मेरे पास एक योजना है। अवश्य कहो अंगराज। अद्भुत कर्ण, अब उन पांडवों का विनाश निश्चित है। अब उन पांडवों से मैं अपने भ्राताओं के मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कल दुर्योधन युद्ध में क्रोध में अपना प्रतिशोध पूर्ण करना चाहेगा, और अंगराज कर्ण कल इस युद्ध को समाप्त करना चाहेंगे, और उनका लक्ष्य होंगे धर्मराज युधिष्ठिर। और हम सबका लक्ष्य होगा कौरवों की रणनीति को तोड़ दे। युद्धभूमि में उल्लू का रुदन शुभ संकेत नहीं है माधव। पार्थ, कदाचित आज का दिन ये युद्ध कठिनाइयों से भरा होने वाला है। आज की परिस्थितियों के लिए सज्ज रहना पार्थ। अपनी रणनीति बनाने से पूर्व
हमारे लिए शत्रु का मन जान लेना, उसकी रणनीति जानना हमारे लिए आवश्यक है। सबको ज्ञात है ना कि आज शत्रु का लक्ष्य क्या होगा? युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारा आज का लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे इस युद्ध को यही समाप्त करना है। मेरे आज भाई वीरगति को प्राप्त हुए हैं अब तक, श्रद्धांजलि देनी है मुझे उन्हें। बहुत पीड़ा भरी मृत्यु दी है उस भीम ने मेरे भाइयों को, इन पांडवों को इतनी पीड़ा दूंगा कि अपनी मृत्यु की भिक्षा मांगेंगे ये मुझसे। मैत्रकर्ण वचन दो मुझे, आज चाहे जो भी तुम्हारे मार्ग में आ जाए तुम उस पर दया नहीं दिखाओगे, आज चाहे जो कोई भी आ जाए तुम अपना सबसे तीव्र प्रहार उस पर करोगे। वचन दो मुझे मित्र। तुम्हारा आदेश मेरा वचन है मित्र। आज शत्रु करण का एक भिन्न रूप देखेंगे। अद्भुत मित्रकर्ण, अद्भुत। अपना मार्ग ज्ञात है ना सभी को? ये क्या कह रहे हो संजय? युधिष्ठिर सेना की पिछले भाग की ओर बढ़ रहा है, कहीं उसे हमारी रणनीति का भान तो नहीं हो गया? गौरव युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज, किंतु युवराज दुर्योधन इस बात से बहुत व्याग्र हो रहे हैं। अवश्य इन पांडवों को हमारी रणनीति का ज्ञात है, इसीलिए भीम एक और हमारी सेना को भ्रमित कर रहा है और युधिष्ठिर पीछे जा रहा है।
मित्रगण तुम जाओ, युधिष्ठिर के पीछे तुम जाओ और जाकर उसे बंदी बनाओ। युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जाओ मित्र। परंतु मित्र, मैंने महाराज को वचन दिया कि आज किसी भी कौरव के प्राण नहीं जाएंगे, मुझे उस वचन को भी निभाना है मित्र। उसके लिए हम सब है यहाँ। युधिष्ठिर तुम्हारे सामने एक दुर्बल योद्धा है, तुम उसे आसानी से बंदी बना सकते हो मित्र। उसे बंदी बनाते ही ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और मेरे भाइयों की रक्षा भी। मुझे ये युद्ध यहीं समाप्त चाहिए कर्ण, जाओ आगे। ठीक है मित्र, परंतु मेरी योजना स्मरण रखना। मुझे तुम्हारी योजना स्मरण रहेगी मित्र, आगे बढ़ो। तत्व से युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ो। योद्धा शत्रु की ओर आगे बढ़ता है, उससे पीछे नहीं भागता। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं कौंतेया। कौंतेय तुम्हारा आवाहन स्वीकार करता है। छल, आपने मेरे साथ छल किया माधव। नहीं अंगराज, छल नहीं, ये रणनीति। ये युधिष्ठिर का रथ है और इस पर युधिष्ठिर को विराजमान होना चाहिए था। वो तुम्हारी भूल है अंगराज, क्योंकि तुमने रथ को नहीं रथी को युद्ध के लिए ललकारा है, और तुमने युधिष्ठिर को नहीं कौंतेय को ललकारा है, युद्ध का आवाहन दिया और उसने तुम्हारे इस युद्ध के आवाहन को स्वीकार किया है। तुम सदैव मुझसे द्वंद करने का अवसर ढूंढते रहे हो कर्ण, समय आ गया है, अब दिखाओ कि तुम कितने सामर्थ्यवान और कुशल योद्धा हो। अपना आवाहन पूर्ण करो मुझसे और वहां राजा भीम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। आज मैं 95 कौरों का अंत कर दूंगा। पांचाली को दिया हुआ वचन और कुरु सभा में ली हुई प्रतिज्ञा आज दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। तुम आगे बढ़ो भीम, तुम्हारे मार्ग की बाधा हम दूर करते हैं, आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो संजय? वहां वासुदेव ने कार्ड से कर्ण को फंसा दिया।
और यहाँ भीम हमारे व्यू में प्रवेश कर चुका है। शेष तीनों पांडव उसके पीछे हैं। कौन बचाएगा मेरे पुत्रों के प्राण? कौन करेगा उनकी रक्षा? तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा और ना ही मैं तुम्हें कौरवों की रक्षा करने के लिए यहां से जाने दूंगा। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा। कौन कहता है कि मैं रक्षा के लिए संकेत दे रहा हूं? माधव भले ही तुम्हारे सारथी हैं, किंतु इनकी नीति मैं तुमसे अधिक पहचानता हूं। तुमने भले ही माधव की सहायता से मुझे युद्ध क्षेत्र से अलग कर दिया, किंतु मेरी रणनीति को विफल नहीं कर पाओगे अर्जुन। अर्थात मैं तुम्हारी रणनीति में नहीं, तुम मेरी रणनीति में फंसे हो अर्जुन। तुमने मुझे कौरवों से अलग नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें पांडवों की सहायता से विमुख कर डाला। अब तुम भीम की सहायता नहीं कर पाओगे अर्जुन, और भीम किसी कौरव का वध नहीं कर पाएगा। हमारा काल बनकर आए थे मूर्ख भीम, परंतु आज तुम स्वयं अपने काल के जाल में फंस गए। प्रिय भ्राता भीम, अकेले ही 100 कौरवों का वध करने की शपथ ली है ना तुमने? तो अब देखते हैं इस शपथ को पूर्ण करने का समर्थ तुम्हें है भी या नहीं। प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहते थे ना गदाधारी? इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अब अगला जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मरना होगा गदाधारी। निर्दयता से मारा है भी, आज मैं तुम्हारे लहू से उनका तर्पण करूंगा। आज भीम, आज मैं अपने भ्राताओं की
मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। सावधान। आपका प्रतिशोध पूर्ण हो ना हो, परंतु मेरा प्रतिकार आज अवश्य पूर्ण होगा। अभिमन्यु, दो योद्धाओं के बीच में आना युद्ध नियमों के विरुद्ध। 6 महारथियों ने अकेले ताचरी भीम को घेरा, नियम तो आपने भंग किया है, तो अब यह अधिकार मुझे भी है। अभिमन्यु, चक्रबंधास्त्र। अभिमन्यु, तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारे पिता के आचार्य का पुत्र हूं। चक्र बांधस्त्र का तोड़ मैं जानता हूं, चक्र विपरीत अस्त्र। भूल तो आप रहे हैं महारथी, विपरीत अस्त्र तभी कार्य करता है जब युद्ध नीति गत हो। एक योद्धा पर आप सभी ने आक्रमण कर युद्ध नीति भंग की, अब अपनी इस अनीति का दमन देखिए। बालक, बालक, मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। धो तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधू के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए।